लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के हिशम वदान आंखों की एक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे देखने की क्षमता कम होती चली जाती है। इस बीमारी के कारण 12 साल के हिशम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है ताकि वो अपने जैसे बच्चों का अनुभव लोगों तक पहुँचा सके। BBC संवाददाता शबनम महमूद की रिपोर्ट। 12 साल के हिशम वदान का रोजाना का संघर्ष, उन्हें वो बीमारी है जिसकी वजह से उनके देखने की शक्ति कम होती जा रही है। I can see up to 6 meters. I've also got night blindness, so that's when I can't see properly at night. Give me your wallet, bruv. What? Give me your wallet now. But I need bruv, to... give me your wallet. लेकिन अब वो अपने अनुभव को दूसरों से साझा करने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, जिसका नाम है Lost in London. Yeah, don't be dumb, bruv. You're lucky you're walking. In real life, people put me down. They like made fun of my eyes, and they love to like take advantage of me because they know I can't do anything to them or say anything to them because like I have a disability, so they just take advantage of that. Playground action! Forward! Hey! No one's here to protect you. I saw you from my window and boom, you're losing cag because of your dumb eyes. ये फिल्म पिछले साल लगे पहले लॉकडाउन के वक्त शूट की गई थी। Most of the actors were my family. I found it quite hard to make everyone coordinate with the plan and what we were actually supposed to do. My sister and Hisham were probably the hardest to deal with. Well, if you take me home, you can. ईमान के पिता ने स्टार वॉर्स जैसी मशहूर फिल्म पर काम किया है। इस फिल्म को बनाने में उन्होंने बहुत साथ दिया। इस फिल्म में काम करने वाले लोगों को उम्मीद है कि इसे शैक्षिक अभियान के तहत स्कूलों में दिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे विकलांग बच्चों की ओर अपना नजरिया बदल सकें। हालांकि हिशम को इस बात का अंदाजा है कि उनकी आंखों का इलाज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो भविष्य में एक्टर बनना चाहते हैं।